अब YouTube से इनकम आएगी ना सीधा, वाईफाई लगा देंगे हम। जल्दी जल्दी चलो भाई, पापा नीचे खड़े हो रहा है। और मम्मी को कल डॉक्टर में भी दिखाना ना भाई। घर वालों से पैसे मांगने में बहुत ज्यादा शर्म आती है। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहना। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर से जहाँ से हम करते ही हैं। और भाई, आज मेरा प्लान बन रहा है कि कॉलेज जा सकते हैं, और मुझे वहाँ से आईडी कार्ड लाना पड़ेगा जिसके बिना मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो भाई, बहुत सारे काम निपटाने आज मेरे को। और मेघा दी ने भाई अभी सब्जी बनाई, किस चीज़ की मेघा दी? हरी सब्जी। आज मेघा दी भी कॉलेज आएगी, मैं भी कॉलेज आऊँगा, तो दोनों भाई मस्त करके कॉलेज आएंगे। तो नाश्ते में आज हरी सब्जी भाई, कौन सी चाहिए, बिना दूध वाली चाहिए। तो नाश्ता करते हैं और फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइज, मैं रेडी हो गया हूँ और मेघा दी तो कॉलेज चले गई, फटाफट मैं भी चले जाता हूँ। यार, स्कूटी भी काफ़ी गंदी हो रही थी, मैं सोच रहा एक बार से एक कपड़ा मार ही देता है, कब से मैंने साफ भी नहीं किया इसको। तो यार, अभी आ रहा हूँ मैं रॉबिन के रूम पे। तू टकला हो गया? अरे क्या कर रहा था तू, नहीं बताइयो? अच्छा, हेयर कट कर रहा हूँ। तुम सो रहे क्यों? सचिन भाई कहाँ? ना ना। तो रॉबिन भी रेडी हो गया, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। चल रहा ना, अब तो नहीं कुछ काम। और ना भाई, आईडी कार्ड सबसे मेन। आईडी कार्ड के लिए पुराना आईडी कार्ड भी चाहिए? हाँ भाई चाहिए, बिना पुराना आईडी कार्ड या फिर वो चाहिए फोटोकॉपी किस चीज़ की, फर्स्ट टाइम की सेकेंड टाइम की, ऐसा कुछ है भाई? ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना तो हो नहीं सकता। तो भाई, रॉबिन का आईडी कार्ड नहीं मिला, बट हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम ना उसकी फोटोकॉपी करा के हम दूसरा आईडी कार्ड ले सकते हैं। फटाफट निकलते कॉलेज में और आईडी कार्ड लेके आते हैं, क्योंकि हमने एग्जाम देना है ना। तो गाइस, हम कॉलेज में आ गए हैं और अभी हमें ना यहाँ पे मिला हिमांशु। कैसा भाई? ऐसी हो मस्त। ऐसी कैसा है भाई, थोड़ा बता दो, डिटेल में बताना कैसा है तू। भाई से उठाइए थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं डंपलिंग भी मिली है, मैं इसका नाम है डिम्पल। आज ये पूरा ब्लैक बन के आ रही है, ब्लैक बाला। आज अच्छी लग रही है वैसे तो, पहली बारी ऐसे उसके पिछला है काओ काओ का। आज दोनों ब्लैक का मेरा मुंह भी काला होता है, मेरा मुंह नहीं काला। चल भाई मेरे साथ, ये जमा कर। मैं जा रहा हूं, हट तुम ऊपर। अरे भाई, तू देना है, जमा क्या करना है उसे, ये वापस देना है तेरे को। इसको पुराने वाले आईडी कार्ड की चाहिए। परांठे खाने के लिए कंटेंट क्या डालेगी तू? परांठे पे था नमक कम। तो हमें आईडी कार्ड की जरूरत थी, वो तो हमने ले लिया। और अभी जा रहे हैं हम चावल पे कुछ खाने के लिए। डिम्पल बोल रही मैं पार्टी करवा रही हूँ। डिम्पल करवा रही ना पार्टी? पक्का? तो यार, हमने समोसे ऑर्डर किए थे, वो भी डिम्पल की तरफ से। और यार, इनके समोसे देखो बहुत छोटे छोटे दे रखे भाई इन्होंने आज। पहले पैसे देख ले, पैसे पड़े हैं ये पर्स भाई, पर्स बहुत है यार, बहुत। अबे ऐसा मत बोलिए, एक रुपया भी नहीं है। ये कौन है? पढ़े जितने भी डीएवी डीवीएस कॉलेज के लड़कियां, फिर लड़कियां ना सारी चावल पे आ गई हैं। जितने भी डीएवी डीवीएस वाले हो, मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। भाई लो भाई, जल्दी 2-3-4 ये अपना मेरा है भाई, जो सबसे पहले खाएगा ना उसको दूसरा समोसा भी मिलेगा। मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। आजा आजा, तुम अपने लिए ठंडा कर दो, हम भी करें भाई। चल ठीक है भाई, करते हैं। फटाफट खाना है भाई, ना ना भाई, बस ऐसे ही खाना है, मैंने बता दिया। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया भाई, जो सबसे पहले खाएगा देखते जाओ। ठंडा कर रहा, फटाफट करते हैं। फटाफट खाता है भाई, भाई हो गया मगन, फटाफट फटाफट खाओ। और विनर है हमारे हिमांशु दुरियाल भाई। गरम गरम खाना तेरे को अब, शर्त पूरी करेगा रोहित। मैं तो मजाक कर रहा था। भाई सबकी उम्मीदें ना रॉबिन से टिकी थी। तो गाइस, हम कॉलेज से घर के लिए निकल गए हैं, क्योंकि यार मेघा दी का कॉल आया कि जल्दी घर आ जा,
मेघादी भी कॉलेज से घर आ गई ना और मैंने आईडी कार्ड ही बना दिया था। अब मेरा सारा काम निपट चुका है कॉलेज से। 3:30 बजे तो हम कॉलेज से निकल रहे हैं, पूरा टाइम तो हमारा यही निकल गया कॉलेज में ही। तो फटाफट चलते हैं घर पे और खाना खाते हैं भाई, बहुत भूख लगती है। तो गाइस हम रॉबिन के रूम पे पहुंच गए हैं क्योंकि अभी रॉबिन को यहाँ पे छोड़ना था ना, तो सीधा हम यहीं पे आ गए और यहाँ पे मिले हमें सचिन भाई। क्या हाल है भाई? भाई जी बढ़िया भाई, और बताओ कैसे है? बस बढ़िया ही है। कैसे चल रही ब्लॉगिंग? अरे मगन की बुलेट को देखने के लिए इतने सारे लोग है गाइस, देख सकते हो मगन भाई की बुलेट को। हाँ भाई, हाँ भाई कैसी लगी? तो देखो भाई इन्होंने अभी खाना नहीं खाया था कॉलेज से आए ना दोनों के दोनों। मेरे को तुमने पूछा नहीं रोहित खाना खाएगा? खा लेना भाई, पक्का बन रखा है? बन रखा है। कहाँ है बताओ? उधर है ना परिसर। तो यार हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे रॉबिन को छोड़ने आया था ना, और मगन अब अपने रूम में जाएगा, मैं अपने रूम में जाता हूँ। तो भाई मैं घर पे आ गया हूँ, आई होप यार मेघादी ने खाना बनाया होगा क्योंकि मेरे को तो काफ़ी भूख लग रही है। तो मेघादी ने मेरे से ना संतरे और अमरूद मंगा रखे थे, बट मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो रखा है। ये जो उम्र है ना हमारी, मतलब 18, 19, 20, 21, भाई घर वालों से पैसे मांगने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है। मैं सोचता हूँ कि काश यूट्यूब इनकम में आती, मैं खुद का खर्चा खुद उठा सकता, काश इतना काबिल मैं बन जाऊँ। मेरी मम्मी को कॉल करना है ना, तू बार बार फोन रन करो, कॉल करो मम्मी कसम से। तो यार मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और भाई मेघादी ने खाना बना दिया, सबसे अच्छी बात तो यही है। तो भाई खाना तो मैंने रख दिया, मेघादी को पूछता है, मेघादी जी खाना यहीं पे लाऊं दिल्ले? लो भाई आपका खाना। कम भाई मेघादी खाती ही नहीं यार कुछ। मेघादी तो बाहर पे खाएगी, मैं तो भाई अंदर ही खाऊंगा, मस्त सा एक ब्लॉग लगाते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो यार मैं सो रखा था और भाई पापा आ गए, कसम से मुझे दिल पे धक धक हो रहा है, फटाफट चलते हैं पापा मम्मी से मिल के आते हैं। खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा भाई, चलो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी चलो भाई। पापा नीचे खड़े हो रहा है, यस भाई जो वीडियो चल रही थी ना मम्मी पापा देख रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था ना जब घर वाले अपनी वीडियो देखते हैं। फिलहाल अभी जा रहा हूँ विकास भाई नीचे आ रहा है ना, जल्दी से रूम दिखाते हैं और फिर मम्मी पापा से मिलवाते हैं आपको। तो यार अभी हमें विकास भाई मिले हैं और विकास भाई से हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कैसे हो विकास भाई? बढ़िया बढ़िया। मतलब विकास भाई से लास्ट टाइम कब मिले थे हम? जब मैं उत्तराखंड टूर में जा रहा था। और भाई की राइड थोड़ा कैंसिल हो गई क्योंकि जोशीमठ में जो सीन चल रहा है ना उसकी वजह से अपने भाई ने जो राइड होती है वो डिले कर दी है। अब कब होगी भाई? फिलहाल अभी डिले कर रखी है, देखते हैं अभी कब जोशीमठ सही होता है उसके बाद ही जाऊँगा मैं, बट देखते हैं जो भी होगा, गर्मी में स्टार्ट करूँगा अप्रैल या मई में। और सबसे बड़ी खुशी बताएंगे इस बात की हो रही है, अपने भाई भी यहीं पे आ रहे हैं और बहुत जल्द भाई अब शिफ्ट हो रहे हैं देहरादून में। तो भाई के लिए मैंने सोचा है कि एक डबल रूम ना भाई को जरा था डबल रूम की। अगर आपको किसी को पता होगा यार आप कमेंट्स करके बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे जो भी है आप मेरे को DM कर देना। तो यार हम विकास भाई के साथ रूम देखने गए थे, वो मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया और आंटी ने भाई ना रूम देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम 4 लोगों को रूम नहीं दे सकते हैं और फिर क्या ही बोला था क्योंकि अब घर उनके तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो भाई बहुत दिनों बाद मेरी मम्मी आज ब्लॉग में आ रही है। तो मम्मी कैसे आप फसल है आप ये बताओ? सबसे अच्छी फैब भी लग गया, अब मिल रहा हूँ मम्मी से इतने महीनों बाद। और भाई इतना अजीब लगता है ना घर वालों के बिना क्या करें, बट रहना पड़ता क्योंकि पापा का जो भी काम है वो सारा TV में होता है, देहरादून तो रह नहीं सकते, बट हम काश उस काबिल बन सके कि मम्मी पापा को कभी देहरादून हम रख सकें। तो यार सबसे पहले मैं सोच रहा पहले ब्लॉग अपलोड पर लगा देते हैं क्योंकि टाइम भी होने वाला है ना, 7 तो बजने वाले भाई। तो फाइनली भाई हमने ब्लॉग अपलोड पे लगा दिया और मम्मी बोल रही भाई फ़ोन नीचे गिर जाएगा, और मम्मी बोल रही है बताऊँ क्या करा कर, एक पन्नी रखा कर, पन्नी पे फ़ोन डाला कर और फिर जाके ब्लॉग अपलोड किया कर। भाई अब YouTube से इनकम आएगी ना सीधा, वाईफाई लगा देंगे हम। मेघादी को मैंने इतनी बार बोला ना यहाँ पे लाइट कम आती है, मेघादी समझती नहीं है। घर यहाँ लोन रबड़ी घर वाले ना गांव से आते हैं ना तो इतना सारा सामान लाते हैं ना भाई, जो खुशी रहती है ना दिल में उसको खोलने की और क्या क्या ला रखे वो देखने की, क्या बताऊँ मैं, सच मैं बता नहीं सकता कि क्या खुशी मिलती है उस टाइम पे। और मम्मी भाई इतना सारा सामान लेके आ रही है ना, चॉकलेट लाए भाई अब तू चलेगी, अब तेरी शादी हो गई, चल अब
तो गाइस हमने डिनर कर लिया, आज मम्मी के साथ मैं और मेघाधी सोएंगे, पापा अंदर सो गए, पापा के साथ मामा भी आ रखे तो मामा भी अंदर सो रखे हैं। ठीक है मम्मी, गुड नाइट, और आज के ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। और भाई कल वाला ब्लॉग भी मम्मी के साथ होगा तो मज़ा आने वाला है, और मम्मी को कल डॉक्टर में भी दिखाना है ना। हाँ, तो मम्मी के गले में थोड़ा दर्द हो रहा है ना, तो मम्मी को डॉक्टर में भी दिखाना है। तो इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।